तो ऐसी भी गलती नहीं करनी कि पहले राउंड में हींच दी गाड़ी, दूसरे और तीसरे में हिंदी और चौथे में सबसे पीछे आ गया। नमस्कार दोस्तों, यदि आप दिल्ली पुलिस का फिजिकल आपका नहीं लगा है, मतलब कि आने वाले समय में आपका फिजिकल लगने वाला है, तो दोस्तों आप पास होना चाहते हो, ध्यान से सुनना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में वर्दी लेना चाहते हो, दिल्ली पुलिस के अंदर पास होना चाहते हो, तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ, आपको इस वीडियो में दोस्तों मैं मूल मंत्र देने वाला हूँ, सिलेक्शन कैसे ले सकते हो, ध्यान से सुन लेना। यदि वीडियो को आपने अंत तक देखा तो यूं मान लेना ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है, इसलिए बोलता हूं वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले चैनल को जरूर दबा लेना, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। और कोई भी डाउट हो, छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के, कुछ भी समझ के, वीडियो को नीचे कमेंट कर देना, मैं जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश भी करूंगा। अब मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ज्यादातर बच्चे जो फिजिकल देने जा रहे हैं वो फेल होके क्यों आ रहे हैं, वो ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसके कारण से वो फेल होके आ रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप भी पास होना चाहते हो, फेल होना नहीं चाहते, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपको ऐसी गलती बताने वाला हूं जो फेल होने वाले बच्चे हैं ना, ज्यादातर वो ही बार बार गलती कर रहे हैं जिसके कारण फेल हो रहे हैं। लेकिन आपको मैं दोस्तों, यदि वीडियो को आपने अंत तक देख लिया तो आप फेल नहीं होगे। मैं आपको जो बातें बताऊंगा उन बातों को ध्यान रखनी है, और मैं आपको बताऊंगा ना, यदि आपने वैसे किया तो सिलेक्शन आराम से ले जाओगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अब की बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल में क्या हो रहा है, मैंने पहले ही बता दिया था कि हालत खराब होने वाली है, मतलब कि बच्चे बहुत फेल होने वाले हैं, जितनी हम उम्मीद कर रहे हैं उतने ही बच्चे फेल होने वाले हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ठीक है। और मैंने पहले यह भी बता दिया था कि कट ऑफ आपकी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, अब भी बता रहा हूं कट ऑफ ज्यादा नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बच्चे ही फिजिकल में पास नहीं हो रहे, तो फिर कट ऑफ कहां से बढ़ेगी। अब मैं आपको बता दूं बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं, और यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो दोस्तों, मैं आपको बता दूं सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको वो गलती नहीं करनी। ज्यादातर बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुन लेना, ज्यादातर बच्चे गलती कर रहे हैं और जिसके अंदर वो फेल भी हो रहे हैं, ज्यादातर बच्चे गलती कर रहे हैं दौड़ के अंदर, हाई जंप के अंदर और लॉन्ग जंप के अंदर, और बच्चे फेल हो रहे हैं ना, ठीक है। ज्यादातर जो बच्चे फेल हो, ज्यादातर तो क्या, पूरे बच्चे जो फेल हो रहे हैं ना, वो सिर्फ तीन चीजों के अंदर ही फेल हो रहे हैं, दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद। यदि तीनों चीजों पर पकड़ बना ली तो सिलेक्शन ले जाओगे, कट ऑफ से एक नंबर ज्यादा है तब भी सिलेक्शन ले जाओगे। क्यों ले जाओगे, बच्चे ही पास नहीं हो रहे, बच्चे ही पास नहीं हो रहे, उनको दोस्तों 5834 पद भी भरने हैं, इतने बच्चे सेलेक्ट भी करने हैं, और अभी तो मेडिकल होगा, मेडिकल के लिए ज्यादा बच्चे भी सेलेक्ट करने हैं। ऐसे नहीं है कि 5834 बच्चों को फिजिकल में लेना है, ऐसे नहीं है, अभी उनको मेडिकल भी लेना है, और बहुत बच्चे मेडिकल में भी बाहर होंगे। तो दोस्तों आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, यदि आपका फिजिकल अंत में है, ध्यान से सुनना, अभी तक आपका फिजिकल नहीं लगा तो आपको दोस्तों तीन चीजों पर पकड़ बनानी है, कौन कौन सी, दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, तीनों चीजों क्लियर कर दी, ध्यान से सुन लेना, तीनों की तीनों चीजें आपने क्लियर कर दी तो सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। और आपको सबको पता होगा ज्यादातर मेल और फीमेल इन तीनों चीजों के अंदर ही फेल हो रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं ये गलती आपको नहीं करनी है, रोजाना की रोजाना, ध्यान से सुन लेना, रोजाना की रोजाना प्रैक्टिस करो, रोजाना की रोजाना दौड़ करो, रोजाना की रोजाना ऊंची कूद और लंबी कूद करो, ठीक है, छोड़ मत देना। और आपको मैं ये बता दूं अब की बार चिप का प्रयोग किया जा रहा है, चिप दोस्तों क्या होती है, ज्यादातर को यही पता नहीं है अभी चिप क्या होती है, मैं आपको बता देता हूं, चिप है ना दोस्तों, वो पैरों के अंदर बांधी जाती है, ठीक है, पैरों के अंदर बांधी जाती है, वो क्या करती है, वो जितने मिनट में आप दौड़ करोगे उतने मिनट काउंट करती है, ठीक है, जितने मिनट में आप दौड़ करोगे उतने मिनट काउंट करती है, मतलब कि यदि एक सेकंड भी ऊपर हो गया, ध्यान से सुन लेना, एक सेकंड भी यदि ऊपर हो गया, जितना नोटिफिकेशन में समय बताया गया है 6 मिनट मेल के लिए, फीमेल के लिए 8 मिनट, इससे एक सेकंड भी ऊपर हो गई, मतलब कि 6 मिनट एक सेकंड भी ऊपर हो गई तो आप दौड़ के अंदर फेल हो जाओगे, ध्यान से सुन लेना। पहले क्या होता था, पहले दोस्तों रस्सी वाला जुगाड़ था, मतलब कि जो बच्चा 6 मिनट 15-20 सेकंड ऊपर भी चले जाता था ना तो उसको भी पास कर देते थे, ठीक है, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, एक सेकंड भी ऊपर चले गई तो आप बाहर हो। क्यों हो, क्योंकि नोटिफिकेशन में उन्होंने पहले लिख दिया कि 6 मिनट में मेल को और 8 मिनट में फीमेल को दौड़ कंप्लीट
करनी है। तो मैं दोस्तों आपको बता दिया, जितनी मिनट मांगी गई है उससे पहले ही दौड़ करने की सोचना, ध्यान रखना पहले ही दौड़ करने की सोचना, और आपको गलती नहीं करनी है, रोजाना प्रैक्टिस करनी है और चीजों को छोड़ दो, ठीक है। अभी आपका फिजिकल यदि सामने पड़ा है, माथे पे है, तो और चीजों को छोड़ दो कुछ दिनों के लिए। मैं भी मानता हूं बहुत तैयारी कर रहे होंगे, तैयारी को छोड़ दो, ऊंची कूद, लंबी कूद और दौड़ इन पे प्रैक्टिस कर लो। ज्यादातर ये भी कमेंट करते हैं कि मेरा तो 2 नंबर जाता है तो मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा। बिल्कुल होगा, वापस से ध्यान से सुन लेना, 1 नंबर 2 नंबर भी जाते हैं ना कट ऑफ से, भाई हाथ जोड़ के नहीं बैठे ना, फिजिकल देने जरूर जाना सिलेक्शन लेना हो तो। और यदि आपको सिलेक्शन नहीं लेना, दिल्ली पुलिस के अंदर नौकरी नहीं करनी, तो फिर क्यों जाते हो फिजिकल देने, हैं? यदि सिलेक्शन लेना है, आपकी बार वर्दी लेनी है, 1 नंबर भी जाता है तो फिजिकल देने जरूर जाना। और जो गलती और बच्चे कर रहे हैं ना, वो क्या सोच रहे हैं कि मैं तो फर्राटा दाना दौड़ कर दूंगा, लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी, रोजाना प्रैक्टिस करनी है। और यदि आपने दौड़ ऊंची कूद लंबी कूद कर दी तो सिलेक्शन ले जाओगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सर्टिफिकेट को लेकर मत डरो, ज्यादातर डर रहे हैं कि मेरे पास तो नया है, अरे वो चलेगा, मैंने पहले ही बोल दिया था बाहर नहीं करेंगे, वो चलेगा। अरे वो भी जानते हैं जो डॉक्यूमेंट आपके चेक करेंगे, वो भी जानते हैं 2 साल से कोरोना चल रहा है, कोरोना कारण बच्चे नहीं बनवा पा रहे, तो आपको वो फेल नहीं कर रहे। आपको सबको पता भी चल गया होगा कि कास्ट सर्टिफिकेट में भार नहीं कर रहे, तो मैंने आपको बता दिया ये गलती आपको नहीं करनी। और ऐसे भी नहीं करना, ध्यान से सुन लेना, ऐसा भी नहीं करना, बहुत बच्चे क्या होते हैं जोश ही जोश में फर्स्ट राउंड में इतना तेज भागते हैं सबसे आगे, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ राउंड में तो बिल्कुल ठीक है, मामला ही गड़बड़ा जाता है, उन पे दौड़ नहीं हो पाती, उनके पैर भर जाते हैं, तेज तेज सांस भरने लगता है और वो सबसे पीछे चले जाते हैं। तो ऐसी भी गलती नहीं करनी कि पहले राउंड में हींच दी गाड़ी, दूसरे और तीसरे में हींच दी और चौथे में सबसे पीछे आ गया, ऐसे नहीं करनी। जो स्पीड में दौड़ना स्टार्ट करो ना, उसी स्पीड में अपनी गाड़ी को रखना, उसी स्पीड में दौड़ते रहना, सिलेक्शन ले जाओगे, ध्यान रखना। अब ज्यादातर ये भी मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि हम घड़ी पहन के जा सकते हैं क्या, कि हम देख ले हमारे कितने मिनट में दौड़ आ रही है। बिल्कुल आप घड़ी पहनकर भी दौड़ कर सकते हो और आप दौड़ करते टाइम देख भी सकते हो कि मेरी दौड़ कितने मिनट में आ रही है, अब कितना समय बचा है। बिल्कुल आप घड़ी पहन के जा सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन यदि 6 मिनट में से 1 सेकंड भी ऊपर हो गई तो आप सीधे सट बाहर हो जाओगे। तो मैंने आपको बता दिया हाइट कम है, चेस्ट कम है, डॉक्यूमेंट नए है, फलाना है, ढीका है, सब चल जाएगा, लेकिन दौड़ ऊंची कूद और लंबी कूद ये नहीं चलेगी, ये तो आपको करनी पड़ेगी। और यदि ये नहीं करी तो सीधे बाहर हो जाओगे। तो मैंने आपको बता दिया किसके ऊपर पकड़ बनानी है, सिलेक्शन लेना है तो दौड़ ऊंची कूद लंबी कूद पे पकड़ बना लो, ठीक है। कमेंट करके बताना, ध्यान रखना कमेंट करके बताना, ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जिन पे अभी तक दौड़ ऊंची कूद और लंबी कूद नहीं हो रही, कमेंट करके जरूर बताना। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो ले आऊंगा और आपको मैं बताऊंगा आपको दौड़ कैसे कंप्लीट करनी है, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना ऐसे कितने बच्चे हैं जिन पे ऊंची कूद लंबी कूद और दौड़ अभी भी नहीं हो रही है। और दोस्तों कोई भी डाउट हो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना, मैं जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चैनल पे यदि पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटे वाले चिन्ह को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।